subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. 40-50 सालों से इस मुल्क के अंदर जब से हमने होश संभाला है, हम हमेशा एक बात मुसलसल मेहराब से, मिंबर से, खतीबों से, जलसों के मुकर्रीन से सुनते आ रहे हैं कि शिया काफर है। आ रहे हैं यानी हमें खुशी है। क्यों खुशी है? इसलिए कि हमें ये मालूम है कि काफर का मतलब क्या होता है। बोलने वाले को मालूम नहीं है, हमें मालूम है। हमेशा आपके खिलाफ कुफर के फतवे, और कुफर के फतवों के साथ एक और फतवा भी, इनकी मजलिसों में नहीं जाना। क्यों? इनकी मजलिसों में जाओगे तो ये कई एक काम करते हैं। अच्छा, वो क्या काम करते हैं? ये अपनी मजलिसों में छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा करके का खून खाने में डाल के खिला देते हैं। सुना होगा आपने, हमने बारहा सुना, तबर्रुक के नाम पे, नियाज के नाम पे खाने में थूक डालकर खिलाते हैं। जुलजना के मुंह का बचा हुआ आम मुसलमानों में तकसीम करते हैं और गंदा खिलाते हैं। इनके घरों में, इनकी आजादारियों में, इनकी मजालिस में न जाना वरना निकाह टूट जाता है। ये जो इनके परचम है अलम, इनके करीब न जाना निकाह टूट जाता है। इनके जुलूसों की तरफ देखने से निकाह टूट जाता है। ये जो सीना कोबी करते हैं उससे, उसको देखने से निकाह को खतरा पड़ जाता है, इनके करीब ना जाना। इनके कुरान जो है वो अजीब गरीब है, वो 40 पारे हैं उसके। अच्छा, 40 पारे हैं। इनका कुरान जो है वो पर्दे गैब में है, अभी हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, बाज मैं चाइना गया था तो वहां पर तो यहां तक प्रोपेगंडा मैंने देखा। मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई, उनसे मुख्तलिफ मौजूदात में बात हुई, केरले का पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कैसे लोग हैं? मैंने कहा वहां पर मुसलमान है, शिया भी है, सुन्नी भी है। जैसे शिया का नाम सुना, अरे शिया भी है। मैंने कहा हाँ। तो कहा कि हमने तो सुना है कि उनके लंबे लंबे कान होते हैं। जाने वाले यहाँ के मुबल्लिग, यहां से गए हुए मुबल्लिगीन माशाल्लाह दीन की खिदमत कर रहे थे। अब सवाल यह है कि ये सारे प्रोपेगंडे गुज़श्ता 40 सालों से जारी और सारी थे। पता नहीं कितने निकाह टूट गए होंगे, और निकाह टूटने के बावजूद उन्होंने तजदीद निकाह न किया होगा, और उसके नतीजे में कितनी औलादें हुई होंगी, और उन औलादों ने आज जो बाजार गर्म किया हुआ है। सोचने वाली बात आई है, अफसोसनाक। क्या दीन इसकी इजाजत देता है? कुरान इसकी इजाजत देता है? लेकिन ऐसे नासिबी अनासिर को न कुरान की परवाह है न दीन की परवाह है। जो लोग कुरान को नेजू पर उठाकर आ सकते हैं मैदान में, वो कुरान को सरों पर रखकर झूठ भी बोल सकते हैं। यही कुछ होता रहा, यही कुछ होता रहा। अक्सर सोचता था भी कैसे इनका जमीर गवारा करता है कि इस तरह से झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते रहे। मैंने तारीख पढ़ी तो समझ आ गई कि जहां पर जमीर न हो वहां पर गवारा करने वाली बात भी नहीं आई। जब जमीर ही नहीं आई, अलीफ कहती है कि रसूल खुदा ने जब तौहीद की दावत दी, मक्का में आप चंद सहाबियों के साथ थे, तो अबू जहल था, अबू लहब था, अबू सुफियान था इब्तदाए इस्लाम में। तो रसूल खुदा के खिलाफ ये जो ग्रोह था सरदारान शिर्क का, ये जो भी बाहर से आने वाला बंदा होता उससे कहता उसके करीब ना जाना, वो जादूगर है, करीब ना जाना। क्यों करीब ना जाना? इसलिए तुम जाओगे तो वो ऐसी बातें करेगा जिससे तुम्हारा जहन मुतासिर होगा और तुम उसके जादू में आ जाओगे। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? अपने कानों में रुई ठोस लो, रुई ठोसोगे तो उसकी बात नहीं सुनोगे, जब बात नहीं सुनोगे तो बच जाओगे। बहुत सारे साहबा ऐसे हैं जिन्होंने कानों में रुई ठोसी लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, मुझे समझ बूझ है, मुझे अकल है, मैं काली में कान में रुई ठोस कर क्यों जा रहा हूं? मैं निकाल लेता हूं, सुनता हूं, अगर कोई बात गलत है तो मैं समझ जाऊंगा गलत है, सही है तो फिर कह दूंगा सही है। और जिसने नबी की सोहबत इख्तियार की, कानों से रुइयां निकाल कर इख्तियार की, डालकर नहीं, जो भी सहाबी बनने की सआदत पा सका उसने कानों में रुइयां नहीं डाली, निकाली तो तब वो सहाबी बन सका। आज भी वही प्रोपेगंडा मुशरिकीन कुरैश वाला, सुनना नहीं, मिलना नहीं, देखना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं, सबील पीना नहीं, नहीं हर चीज नहीं, बिल्कुल कटा हो जाओ। क्यों?
कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी गुमराह हो जाओ। अगर यही गुमराही है तो अल्लाह करे ये गुमराही हर रोज बढ़ती जाए और हम उसको अपने सीने से लगाते चले जाए। हम कहते हैं कि तमाम मुसलमानों के दरमियान कुछ मुश्तरकात हैं जो बहुत उसी पैमाने पर हैं, कुछ इख्तलाफात हैं जो फरोआत में हैं। फरोआत फरोआत के इख्तलाफात अपने घर में रखो, जो उसूल के इत्तफाकात हैं, इत्तहाद है, वहदत है, उसको उजागर करो। अब्दुल्लाह के दुश्मन के मुकाबले में, अल्लाह के दुश्मन के मुकाबले में, रसूल के दुश्मन के मुकाबले में, कुरान के दुश्मन के मुकाबले में मिलकर खड़े हो जाओ ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद हो सके। उनके जज्बात से न खेलो, लोगों को मजहब का चेहरा दिखाकर शैतानी मकरूह अजायम पूरे न करो। इस्लाम की तालीमात को चंद टकों की खातिर बेचकर अपना पेट जहन्नम से न भरो। हम ये कहते हैं